इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीढ़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट। थैंक यू। ऐसे क्यों हंस रही हो? I had a crazy dream कि कोई मेरे पीछा कर रहा है, हाथ में हथियार लिए, घने जंगल में अकेला, और मैं डर के मारे भाग रही हूँ। आखिर वो था कौन? एक और ट्विस्ट बताऊँ? मैं अपने आप से ही भाग रही थी। तुझे तो सपने भी ठीक से नहीं आते। वो तूने कार्तिक वार्तिक के बारे में मुझे बताया था ना, वो मैटर कहाँ तक पहुँचा? कार्तिक फोन करते रहता है कभी कभी, फिर से प्रपोज कर रहा था, मैंने रिस्पांस नहीं दिया। ओके, तुम्हारा गांव यहाँ से कितनी दूरी पर है? अप्रोक्सीमेट 5 hours। ओह माय गॉड, 5 hours। अच्छा, मैं गाड़ी चलाती हूँ। या Let's go, come on.
ठीक है बेटी, संभल के आना। ओके बाय। स्टेला। हाँ। हमारी बेटी शाम को आ रही है। रहने दो आप बस, हमेशा वो फोन करती है और आती तो है नहीं। अरे बाबा, वो शाम को गारंटी से आ रही है, उसका फोन आया था। स्टेला, और तुम ये सारा काम क्यों कर रही हो? हाँ हाँ, रहने दो आप तो। क्या आप मेरे लिए नौकरानी रख रहे हो? अगर मैं अपना काम खुद नहीं करूँगी तो कौन करेगा? ठीक है बाबा, करो। पता नहीं मैं तुम्हें जंगल में क्यों लेकर आया। सॉरी मीरा। हे भगवान, प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी प्लीज। भगवान, भगवान इसे बचा लो, भगवान, भगवान इसे बचा लो, इसे मारो मत, मत मारो, मत मारो, अरे मत मारो, मत मारो। प्लीज भाई मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। प्लीज भाई, प्लीज भाई, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, किसी से नहीं कहूँगा। एलेक्स, ये तो बहुत घना जंगल है। हाँ, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है। आगे तक रोड ऐसा ही है क्या? नहीं, बस थोड़ी दूर तक, उसके आगे फिर ठीक है। ओके। एक मिनट यहाँ गाड़ी रोकना। क्यों, क्या हुआ? वहाँ देखो क्या है। वहाँ
मुझे लगता है वहाँ से कोई पास हुआ है, मैं जाकर देख कर आती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? इतना घना जंगल है और तुम जाकर देखना चाहती हो? नहीं, मुझे जाकर देखना है। एलेक्स चुपचाप बैठो तुम। डोंट वरी संध्या। ओह गॉड एलेक्स, आर यू क्रेजी? तुम यहीं बैठो। संध्या डोंट वरी, मैं जाकर देख कर आती हूँ। एलेक्स मैं अभी आती हूँ, 2 मिनट्स। एलेक्स, हे एलेक्स, प्लीज डोंट गो। चुपचाप बैठ जाओ और इस तरह के फालतू जोक्स ना मेरे साथ मत किया करो, समझी? Just stop it. अरे stop it. आखिर तुम डर गई ना? हाँ stop it. संध्या बस बस यहाँ साइड में लगा दो. ओ ओके ओके बस बस ओके कम. मेरी प्यारी बिटिया, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन. क्या हुआ बेटा, देर क्यों लगा दी? रास्ते में कार बिगड़ गई डैडी. ख्याल रखना चाहिए था. डैडी मेरी दोस्त मेरे साथ है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती. सॉरी सॉरी डैडी, ये मेरी फ्रेंड संध्या है. हाय. ओके कम कम अंदर आओ. डैडी मम्मी कहाँ है? बेटी सुबह से तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई, उसके सर में दर्द होने लगा, ऊपर जाके सो गई. परेशान मत हो, तुम्हारे पसंद की खाने पीने की चीजें बना के रखी, ऊपर जाके खा लेना और फिर आराम से सो जाना. ओके ओके डैडी, बाय. गुड नाइट. बाय. गुड नाइट. कम. अरे एलेक्स, तुम्हारा घर तो ओल्ड मॉडल जैसा लग रहा है. ओल्ड मॉडल तो है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड फ्लोर देखोगे ना तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा. देख लेना. फर्स्ट सेकंड दो फ्लोर है क्या? हाँ. आप बोलो. वेरी बिग हाउस यार. या कैसा लगा? वाओ, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर वेरी डिफरेंट. हाँ, लास्ट ईयर ही रेनोवेशन करवाया है. सुपर्ब. एंड दिस इज माय रूम. वाओ फैंटास्टिक. आओ अंदर आओ. ये मैं लेट हो गई इसलिए गुस्सा हो गए हो क्या? ठीक है बाबा, अब लेट नहीं करूंगी. ओके. सनी, गेस्ट रूम ऊपर है, मुझे बहुत देख लिया. अब तुम जाओ, मैं आ रही हूँ, जाओ ना. जाओ जाओ ना.
दिल अब मेरी बात सुनता नहीं, दिल अब मेरे बस में नहीं। आंखें खोलकर सपना देख रही हूँ, आंखें खोलकर सो रही हूँ। इतना मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ। I love you, I love you, I love you। तेरी चाहतों ने क्या जादू किया, न जाने तू कब जिंदगी बन गई। तू सांसों में अब तो मेरी घुल गई, तू धड़कन में अब तो मेरी बस गई। तुमने कहा था मुझसे जरूरी बात करनी है, बोलो ना। अरे बोलो। I love you, Alex. I want to marry you. सच है मुझे तो नहीं है यकीन, तू इतने करीब आ गई है मेरी। तेरी प्यास थी मुझ में कब से जगी, मेरी धड़कनों को है राहत मिली। मैंने रात भर बहुत सोचा, मुझे लगता है ये सही नहीं है संध्या।
जरूर एक लड़के के रूप में एक लड़की हो, लेकिन मैं एक लड़की हूं संध्या। मेरे अंदर भी कोई फीलिंग्स हैं कि कोई लड़का मुझसे प्यार करे, मैं उसके साथ मिलकर अपनी जिंदगी बिता सकूं। तुम ही तो कह रही हो कि मैं एक लड़के के रूप में लड़की हूं, फिर प्रॉब्लम क्या है? एलेक्स, जुदा तू जो हो तो मैं रह ना सकूं। प्रिया ओ प्रिया ओ मेरी प्रिया ओ मेरी प्रिया प्रिया ओ प्रिया। दो लड़कियां एक साथ नहीं रह सकती, पूरी जिंदगी एक साथ कैसे बिता सकती हैं? मुझे नहीं पता चला कि मेरे लिए तुम्हारे दिल में ये फीलिंग्स हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे दिल में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वक्त ही बताएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है संध्या, कल जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं। समझने की कोशिश करो संध्या, प्लीज। हम हमेशा एक फ्रेंड की तरह रहेंगे, प्लीज संध्या। मम्मी डैडी से मिलने का मन कर रहा है, मैं एक हफ्ते तक नहीं आऊंगी, मैं गांव जा रही हूं। तुम मेरे साथ चलोगी? Yes. Take. Come on. Thank you.
डरूंगी। अच्छा एलेक्स, तुम तो फ्रेश होकर आने वाली थी, ऐसे ही आ गई। फ्रेश होकर? छोड़ यार, इस जर्नी में तो पूरा दिमाग खराब हो गया। चलो एक अच्छी सी चाय पीते हैं। चलो 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 एलेक्स। छोड़ एलेक्स। एलेक्स चलो। ये लो, गरम है, हाथ ना जल जाए। थैंक्स। एलेक्स, वो कार्तिक इसी गांव में रहता है? हाँ। अभी कहाँ है वो? अभी तो वो मुंबई में है, हॉलीडेज में आते रहता है। उसे गांव की लड़कियां बहुत पसंद हैं। लेकिन तू तो गांव की नहीं है ना? मैं कुछ समथिंग स्पेशल हूँ इसीलिए। Who knows कि अब वो शहर की लड़कियां पसंद करता हो। Just think, you sick। तुम हमेशा लड़कों के बारे में निगेटिव सोचती हो। लेकिन मेरी सोच सही है, तेरी सोच गलत है कि लड़कों के बिना जिंदगी अधूरी है। I'm always right। लड़कों के बिना लड़की की जिंदगी अधूरी है। तेरा पागलपन बढ़ गया है। I'm helpless। Let's go for smoke। यहाँ पर डैडी देखेंगे तो जान से मार देंगे। अरे मैं यहाँ नहीं, बाहर की बात कर रही हूँ। ये है स्विमिंग पूल। वाओ, बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल है। So beautiful। Come on, come on, let's swim। मैं नहीं आती, मुझे बहुत डर लगता है। Oh God, मैं हूँ ना, डरती क्यों है? मैं सिखा दूंगी ना। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मुझे डर लगता है। यहाँ सिग्नल का बहुत प्रॉब्लम है। Come on। हमारा घर MP3 की तरह है, सिर्फ गाना सुनने के अलावा और कोई काम नहीं आता है। Really? यहाँ पर सिग्नल की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए तो घर में लैंडलाइन लगाया है। तुम्हारे घर में ये फैसिलिटी भी है? Okay, leave it। Cool। सिगरेट? बाप रे, यहाँ पर डैडी इस वक्त घर पर है, समझी? ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, यहाँ कोई किसी को मार भी देना तो पता नहीं चलेगा। चल ले। इतनी लंबी जर्नी की थकान एक कश ने मिटा दी। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यही लिखा रहता है पैकेट पे ना। एक बात बता, इतने सुनसान जगह में घने जंगलों के बीच कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, ये फंडा समझ में नहीं आया। मेरे पापा को एकांत बहुत पसंद है और इसलिए उन्होंने इस घने जंगल में एक घर बना लिया और अकेले रहते हैं। अब तो आदत सी हो गई है और ये जगह भी इतनी दूर है, सिक्योरिटी के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं। तेरे लिए एक सरप्राइज है। व्हाट? हे, ये कहाँ से लेकर आई तुम? तेरे फ्रिज से। ये जरूर डैडी की होंगी, अगर उन्हें पता चल गया तो। हे, पता चलेगा तब ना। चल ले। चीयर्स। तू फिकर मत कर, आई विल मैनेज। ओके ओके। एलेक्स। हाय मॉम। आ गई तुम? मॉम कैसे हो? ये मेरी फ्रेंड संध्या है। हाय। एलेक्स, अपनी फ्रेंड को ऊपर जाने के लिए कहो। ओके, गुड नाइट। मैं तुम्हें अकेले शहर भेजने के लिए डरता था, ये सोचकर कि कहीं तुम बिगड़ ना जाओ। और तुम बिगड़ी भी तो एक लड़की की वजह से। सिर्फ दारू सिगरेट ही पीती हो,
या कुछ और भी शौक है? डैडी धीरे बोलिए ना, वो सुन रही होगी, उसको दुख होगा। उसके दुख की चिंता है, अपने बाप के दुख की नहीं। डैडी शट अप, एक शब्द और भी बोला तो जान से मार डालूंगा। वो लड़की है, उसके ड्रेसिंग स्टाइल देखी, वेरी चीप। डैडी मैं उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकती, वो मेरी जान है डैडी। मुंह बंद कर अपना। जब मेरी आँख खुले तो लड़की मुझे नहीं दिखनी चाहिए। और हाँ, एक वीक के अंदर मैं तेरी शादी पीटर से कर रहा हूँ, समझ गई? प्लीज डैडी, अभी मुझे शादी नहीं करनी है। मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें चुपचाप वही करना है। वो लड़की है, उसके ड्रेसिंग स्टाइल देखी, वेरी चीप। सुबह जब मेरी आंख खुले तो लड़की मुझे इस घर में नहीं दिखनी चाहिए। डैडी मैं उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकती, वो मेरी जान है डैडी। डैडी मुझसे ऐसी बातें करेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। प्लीज सॉरी 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 नो आई एम सॉरी प्लीज आई एम सॉरी। ये मुझे पता है, बी हैप्पी डियर, आई लव यू। तुझपे जादू मेरा छाने अब लगा है, तुमसे कितना है प्यार ओ मेरी जाना। आकाश छूने इतना वो
इज दैट? वेट वेट वेट, कमिंग। Huh.
पता नहीं कि मैं यहाँ हूँ। तेरे मम्मी डैडी को उसने मार डाला। पर तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना तेरे साथ। हम दोनों को यहाँ से निकलना होगा। पुलिस को फोन करते हैं। मोबाइल का सिग्नल यहाँ लगता ही नहीं है। लैंडलाइन फोन है क्या? कहाँ पर है? पता ना कहाँ पर है? तेरे डैडी के रूम में है? ऑफिस रूम में है क्या? तेरी मम्मी के रूम में है क्या? ओके ओके, कूल कूल, तू रिलैक्स रहे। मैं हूँ ना, मैं फोन करके आती हूँ। तू डर मत, हट, मैं आती हूँ। Oh.
हेलो 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 मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी, बाद में बात करूंगी। Shh!
शहर को ये हुआ क्या? कहीं राग है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीड़ी, दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हमें पता है कि तुम्हें सब कुछ सुनाई दे रहा है। पैसा कहाँ रखा है? गहने कहाँ रखे हैं? हम सब कुछ जानते। अबे क्या है तेरा नाटक? डायलॉग ओवर लैप हो रहे हैं, आराम से बोलो। अबे चेहरे पे कपड़ा लगा हुआ, ओवर लैप की क्या बात करता है? अपना कैमरा पकड़, हम कोई फिल्म थोड़ी बना रहे हैं। ओके, अच्छा है कि भाई साहब होश में नहीं है, वो तो धीरे धीरे आ रहे हैं, मुझे पता है। मुझे सब पता है। और ये तो मेरा डायलॉग है। तो बोल। मुझे पता है तुम्हें सब कुछ सुनाई दे रहा है। पैसे कहाँ है? गोल्ड कहाँ है? अरे ये मेरा डायलॉग है यार। ओ सॉरी यार। क्या है यार, ये क्या है? खेलने वाली बंदूक? और भी है मेरे पास। ये ठीक है, मैं भी अपना डायलॉग बोलता हूँ। फिर से टेक लेते। ओके सॉरी सर। अभी बैठ जाओ, तुम्हें सब कुछ सुनाई दे रहा है। अरे यार क्या है तेरा प्रॉब्लम? बोलना क्या है प्रॉब्लम? आर्टिस्ट का चेहरा ही नजर नहीं आ रहा है, उसको कैमरे के सामने लाओ, तुम लोगों ने कवर करके रखा है। ओके ओके पसंद है यार। ये राइट है, ये ठीक है, यही एंगल चाहिए था। ऑस्कर अवार्ड पक्का। ए, मैं नॉर्मल आदमी नहीं हूं, बहुत बड़ा गुंडा हूं। तुझे अगर समझ में आए तो साइको 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 साइको। बहुत सारे लोगों को मैंने साइको बनाया, और उनमें से ये दोनों भी है। इसका चेहरा देखा, अगर देखेगा तो दिल का दौरा पड़ के मर जाएगा। ओवर एक्टिंग मत कर, सब समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये मटन खाता है, काट काट कर इंसानों को खाता है, उसकी बोटी बोटी करता है, टुकड़े टुकड़े करता है, और उनके रक्त से नहाता है। बदबू नहीं आ रही तुमको? आ रही है बदबू, आ रही तो बाथरूम में। सच में आ रही है यार।
नहा के आने के लिए बोला था ना। आ रही है भाई। देखो इसका पेट नहीं है, गंदा पेट है। कुछ असर ही नहीं हो रहा भाई। एक बार मैं ट्राई करता हूं। ओवर एक्टिंग मत कर, तू रुक यार। अब देख ये क्या करो भाई। ऐसी फीलिंग्स के साथ एक्टिंग कर, नो एक्सप्रेशंस, जगा मत। सच में मर तो नहीं गया? पुलिस को पता चला तो फिर तो फांसी गारंटी है। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, मुझे तो फांसी से डर लगता है। चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। चलो यहाँ से भाग जाते हैं। हम एक दूसरे को नहीं जानते, कभी मिले ही नहीं। कौन हो तुम भाई? तुझे कहीं देखा है? शर्मा जी का बेटा शंकर। मैं अज्जू, पास की गली में रहता हूँ। मैं धनराज। फिर मिलेंगे। अबे तेरी तो एक्टिंग वहाँ करने के लिए बोला था, यहाँ पे नहीं समझे क्या? हमने मारा, इसका प्रूफ क्या है? इस कैमरे में सब रिकॉर्ड हो गया है, पुलिस आगे तो सब दिखा देंगे। पुलिस की क्वालिटी है। कैमरा बंद करके इधर आ। ओके सर। अबे स्प्रे किसने मारा? अरे लेकिन मैं तो स्प्रे मारने की वजह से इसकी हालत हुई है। थोड़ा दूर से मारना था, सीधा मुंह पे मार दिया, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गया। उसकी वजह से ऑक्सीजन लेने में तकलीफ होती है, होश में आने में टाइम लगेगा। देखो जब तक ये होश में नहीं आता हम लोग यहीं रहेंगे, ठीक है ना? मरा नहीं है। अरे तुम लोग जाओ, फ्रिज में से एक बोतल पानी लेकर आओ। आई विल मैनेज। मरा नहीं है। सर सर क्या है ना सर, हम लोग जी न्यूज से आए हैं सर। वो क्या है ना सर, जैसे सोशल प्रोग्राम होता ना, जैसे बकरा फलाना धमाका, एक ऐसा प्रोग्राम है जो अकेले में रहता है, हम उससे ही सावधान करते रहते हैं। जंगल में अकेले रहने वालों पर प्रयोग करके हम उन्हें ऐसे ही सावधान करते रहते हैं कि आप सावधान रहें। क्या मरा नहीं है, जिंदा है, अभी हिल रहा है। क्या है ना कि ये 50वां एपिसोड है ना, इसलिए हम लोग जंगल में आए हैं। भाई साहब, सर 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 बोलिए सर। अरे पानी की बोतल दो ना यार। अरे पानी की बोतल के साथ फ्रिज में ये भी मिली। अरे इनके घर में इनको बिना बताए दारू पियेंगे तो इनको क्या फील होगा? अरे अरे पूछना पूछना पूछ। सर सुबह होने तक आपके ही घर में रहना है ना, तो हम लोग टाइम पास के लिए एक एक पैग ले लें। आप सुन रहे ना सर? सर कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे किसी किसी के चुप रहने में बहुत कुछ बोलना होता है ना सर? अरे यार कहाँ फंस गए? अच्छा खासा शादी करके जिंदगी गुजारना था। अरे कहीं नौकरी करेगा तो ही तो छोकरी मिलेगी ना। पकड़ ले इसे। अरे पीने के लिए नहीं बोला यार। पकड़ बोतल। ए पीने के लिए नहीं बोला, पकड़ इसको, पकड़। अरे हा? क्या कर रहे हैं यार, वहाँ जाके पेशाब करना? वहाँ चल, वहाँ करते हैं यार भाई, करते हैं। अरे यार डर क्यों रहा है? करने आए तो करने ही है बस। अरे अरे क्या कर रहा है, संभाल। तू उधर कर, मैं इधर करता हूँ। तू उधर कर, मैं इधर करता हूँ। सुन, आज के प्रोग्राम से अपनी टीआरपी आसमान को छू जाएगी। अरे ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग आए हैं, अगर कोई साइको या किलर आता तो क्या होता यार? अरे हाँ कितना मासूम लग रहा था। अगर कोई साइको आ जाता तो इतने बड़े तो जंगल में घर बनाया, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई भी आके मार के जा सकता। अरे शराब के साथ में एक शवाब भी होता तो कितना मस्त मजा आ जाता। डिक्की में ले ले। डिक्की में? क्यों रे, तू सुसु कर रहा था तो इस साउंड कहाँ से आ रही थी? साउंड मेरे में से नहीं, डिक्की से आ रही थी। अच्छा एक मिनट।
हमने कुछ नहीं किया। अरे कहाँ फंस गए हम लोग? प्लीज हेल्प मी, प्लीज। सुन, लगता है अंदर कोई लड़की है। अरे लड़की या कोई भूत किसको पता, चल निकल, चलते चल। Help me. अरे अंदर से कोई बोल रहा है। Please. मुझे तो लड़की की आवाज सुनाई दे Please रही है। Help me. अरे क्यों रिस्क ले रहा है, रेटिंग रेटिंग के चक्कर में हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। चल अरे, चल यहाँ से चल। प्लीज हेल्प कीजिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज प्लीज। अरे यार, अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बराबर से, कहीं ऐसा ना हो कोई मार डाले हमें। पहले ही टेंशन बहुत है, तू और टेंशन मत दे यार। हाँ मैं क्या टेंशन दे रहा हूँ, तू पास में मत जा, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बोल रही है यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड का मतलब क्या मेरे भाई, लड़की देखी नहीं कि तू पागल हो जाता है। अरे समझा कर बात को। अरे वो बात नहीं यार, मैं इसकी मदद करूंगा। यस। अरे कुछ होगा तो नहीं ना? यस कम ऑन। अरे कुछ नहीं होगा यार। अरे तूने तो लड़की बोला था। अरे तू डर मत यार, खोल कैच। देख मैंने कहा था ना कोई है, ये तो वाकई में लड़की है। अरे हाँ यार, स्लो 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 बात करो, स्लो बात करो, बोलो। चाटा मारी है। Try to understand। चलो यहाँ से, चलो निकलो। अरे चलो चलो। क्या हुआ मैडम? अरे मैडम हुआ क्या? चलो क्या हुआ मैडम, बताइए ना कुछ। मैडम मैडम, आप वो डिक्की में क्या कर रही थी? अरे ये तो पूरा पी रही है यार, जरा रोक इसको। अरे मैडम पूरा खत्म हो गया। कौन है तुम लोग? न्यूज चैनल वाले। वो क्या है ना, हम लोग जंगल में रहने वाले लोगों के लिए साइको लोगों से सावधान होने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। रियलिटी शो। हाँ हाँ। अरे पागल अंदर जो है वो सच में साइको है। अरे वो अरे वो बेचारा तो पागल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम लोगों के साथ में और कोई आया है क्या? दो और आए हमारे साथ। फिर तो उन दोनों को उसने मार दिया होगा। अरे ये दोनों कहाँ गए? ए उठ रे सर, सर कहाँ हो? सर सर जोड़ता हूं, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं कुछ नहीं जानता हूं। अरे कुछ चिल्ला है, चलो चल कर देखते हैं। अरे नहीं नहीं रुको रुको, नहीं नहीं हम लोग जाकर देखते हैं। चल चल। अरे सुनो,
ये दोनों भी मरेंगे। जल्दी भाग। चल भाग भाग। भाग भाग जल्दी आ। देखा दिखने में कितना भोला नजर आ रहा था और कैसे मार रहा था। भगवान का शुक्र है कि हम बच के आ गए। लेकिन कुछ भी और छोड़ेंगे नहीं उसे। चल वो सामने रोड दिख रहा है। चल चल जल्दी चल। एक चला जल्दी। नहीं 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 Oh.
बच गया, मैं बच गया। इधर जाऊं या इधर जाऊं? नहीं, इधर जाता हूं। हाँ, इधर जाता हूं। यार, शायद मेरा डिसीजन हमेशा गलत रहता है। इधर से नहीं, इधर से जाऊं, इधर से जाऊंगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। हाईवे थोड़ी दूर पर है एलेक्स। एलेक्स प्लीज थोड़ी थोड़ी हिम्मत रख, थोड़ी हिम्मत रख एलेक्स। एलेक्स प्लीज थोड़ी हिम्मत रख, प्लीज हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वो आ जाएगा हमारे पीछे। एलेक्स, थोड़ी हिम्मत रख एलेक्स, कम ऑन एलेक्स, एलेक्स मंजिल बहुत करीब है, चल एलेक्स, प्लीज प्लीज एलेक्स, प्लीज एलेक्स थोड़ी हिम्मत कर, प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे मार डालो।
मुझे पता है इस जंगल से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। मुझे छोड़कर चली जाए यहाँ से, नहीं तो मुझे मार दे। मैं उसके हाथों से नहीं बनना चाहती संध्या। मुझे तू मार दे प्लीज, प्लीज संध्या, प्लीज किल मी। मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो, मैं तुम्हारे हाथों से मरना चाहती हूँ संध्या, मार डालो मुझे। एलेक्स प्लीज, हम अपने मंजिल के बहुत करीब हैं। नहीं प्लीज, मैं अब और नहीं चल पाऊंगी संध्या। खड़ी हो जा एलेक्स प्लीज। नहीं संध्या प्लीज, मुझसे नहीं हो रहा। एलेक्स एलेक्स उठ 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 ना एलेक्स, एलेक्स अब कैसा लग रहा है? एलेक्स नहीं, वो आ तो नहीं रहा। एलेक्स तू यहाँ से हिलना मत, मैं उसे देखकर आती हूँ। मैं आती हूँ, हाँ ओके ना? मुझे छोड़कर कहीं मत जा। अगर हम दोनों को जीना है तो मुझे जाना होगा। नहीं संध्या प्लीज मत जा, संध्या मत जा।
मेरे फ्रेंड मेरे साथ है ना डैडी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे मार डालो संध्या, मुझे मार डालो।
अगर साइको है तो मैं तेरे से डबल साइको हूं। तेरे छोटे भाई की हालत एलेक्सा ने नहीं, मैंने की थी। तेरा भाई उसे सताएगा और मैं चुपचाप बैठूंगी। वो मेरी जान है जान। मेरे और उसके बीच जो भी आएगा उसका यही हाल होगा। उसके लिए मैं इंसान तो क्या, भगवान को भी चैलेंज कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। तुमसे कितना है प्यार।